शैतान गिरा दिया जाएगा जिस दिन आप गैर भाषा में बातें करोगे। जो फाइनेंस आपका सालों से गिरा हुआ, आपके दादा आपके बाप दादा सब कुछ हार चुके हैं, वो गिरा दिया जाएगा। वो अल्टर, वो वेदी जो शैतानी है, जब गैर भाषा शुरू होगी वो गिरा दी जाएगी। वो बीमारी जो 20 सालों से आपके पीछे, जिस दिन आपने गैर भाषा में प्रार्थना की, मैंने कहा उसका वेदी गिरा दी जाएगी, उसका अल्टर गिरा दिया जाएगा। जो पागलपन आपको छोड़ के नहीं जा रहा, जिस दिन ये गैर भाषा शुरू होगी, मैंने कहा वो छोड़ के भी जाएगा। ओह, आपका आमीन जितना ऊंचा। आप समझ रहे मेरी बात को कि नहीं? आप समझ रहे कि नहीं? गैर भाषा प्रकट हुई, सब कुछ चेंज हो गया। मेरी बाइबल के पीछे 87-88 प्रेयर पॉइंट लिखे हैं मेरे पर्सनल, और हर 15-20 पॉइंट्स के बाद गैर भाषा में प्रार्थना करता हूं। जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करेंगे, और गैर भाषा के लिए आपको बैठने की जरूरत नहीं है कि प्रार्थना में बैठेंगे तो बोलेंगे। आप गाड़ी चलाते तो गैर भाषा बोल सकते हो, आप ऊंचा नहीं बोल सकते लेकिन जीप में बोल सकते हो, बस में बैठे हो गैर भाषा बोल सकते हो, हाँ आप कहीं भी बैठे हो गैर भाषा बोल सकते हो। गैर भाषा आपके स्पिरिचुअल इंजन को स्टार्ट कर देगी। गैर भाषा बोलने के द्वारा कुछ ऐसी अगुवाई आपकी होगी जो आप मांग रहे हो प्रभु से कि प्रभु मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। हालेलुया। मुझे एक गीत सुनाया गया था गैर भाषा में, और मुझे क्वेश्चन किया गया ये गैर भाषा में क्या बोल रहे हैं, और मेरे को मालूम नहीं था वो गीत क्या है, किसने गाया है, क्या है। जब मैंने वो गीत सुना गैर भाषा में, मैंने कहा ये आदमी हमें स्वर्ग जाने के लिए कह रहा है और हमें तैयारी करने के लिए कह रहा है कि हम अंत के दिनों में तैयार रहे। सुनो ध्यान से, जब उस गीत को मुझे दिखाया गया, उसका शीर्षक था सॉन्ग ऑफ द एंड टाइम। और गैर भाषा ऐसा नहीं है कि ये कोई शब्द बोलेगा कि जरा वरा जिला, जरा का मतलब ये, नो नो नो, ऐसा ये गैर भाषा ऐसी नहीं। आपकी स्पिरिट बताती है कि उस टाइम होली स्पिरिट इन शब्दों को क्यों बोल रहा है। ये कोई शब्द नहीं है, ये स्पिरिचुअल चीज है, हमें। और मैंने बताया ये जो सिंगर है ये हमें एंड टाइम स्वर्ग जाने के लिए हमें कह रहे हैं कि हम तैयार रहे। और मैं खुद हैरान था, इसे बोलते गैर भाषा का अर्थ बताना, आमीन। आप जब गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, सडनली आपकी अगुवाई होती है जिसके लिए आप कंफ्यूज हो। आप जो गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, न्याय प्रकट होता। जो लोग आप पे जादू टोना कर रहे हैं, जो लोग आपके पीछे हैं, उन पे न्याय प्रकट होगा और सजा आएगी उनकी लाइफ। मैं सच कह रहा हूं, हम नहीं मांगेंगे, हम ना तो दुश्मनों का नाश मांगते ना विनाश मांगते, कुछ नहीं मांगते। लेकिन परमेश्वर देखेगा कौन सा व्यक्ति आपकी लाइफ से जाना चाहिए, कौन सा रहना चाहिए। गैर भाषा एक ऐसा हथियार है। और इमेजिन करो आज लोगों के पास गैर भाषा ही नहीं है, क्योंकि चर्च आना एक प्रोफेटिक वर्ड लेने का या हीलिंग लेने का जरिया है, या आपको सचमुच परमेश्वर में बढ़ना है और आपको खुद कुछ करना है, आमीन। लिखा जब गैर भाषा प्रकट हुई तो न्याय प्रकट हुआ, और उसने कहा परमेश्वर ने दिन गिन दिए और उसी रात वो मारा गया। तो कितने लोग हम गैर भाषा में बोलते हैं। परमेश्वर ने पुराने नियम में कहा मैं अन्य भाषाओं के द्वारा, दूसरी भाषाओं के द्वारा लोगों से बातें करूंगा। यह कोई नए नियम की भाषा नहीं, पुराने नियम में चलती आ रही, और नए नियम में अब आप भी इस पे इसके भागी हो सकते, अब आप भी इस हथियार को ग्रहण कर सकते। देखा इसलिए तू अगर तू बपतिस्मा ले, तौबा करे, तो तू पवित्र आत्मा का दान पाएगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं। और लिखा गैर भाषा जब तुम्हारे पास होगी और जब तुम इसे बोलोगे, एनिमी कंफ्यूज होगा। आप देखो जो बंदा चौड़ में चल रहा था, लियाओ परमेश्वर के, कौन से परमेश्वर, लियाओ उसके भवन के सोने चांदी के पात्रों में लिखा पी के नाच रहे थे, अपनी पूरी ताकत दिखा रहे थे, शक्ति प्रदर्शन चल रहा था, एक तरह का एंजॉय पार्टी चल रही थी, वो घबरा के उसके घुटने कांप रहे। इसका मतलब न्याय प्रकट हो, इसका मतलब आपका एनिमी शैतान, उसके एजेंट्स, उनके कैंप में
उनके घरों में, उनके उनके जीवनों में कंफ्यूजन पैदा होगी जिस दिन आप गैर भाषा बोले। लोग कंफ्यूज होंगे आपके विषय में, कंफ्यूज हो जाएंगे वो कि आपका क्या करें। सोचो अगर गैर भाषा ना बोली जाए तो कितना बड़ा नुकसान है। आप टंग्स में बातें करते, गैर भाषा में बातें करते, आपका स्पिरिचुअल इंजन प्रोड्यूस करना शुरू करते, परमेश्वर बात करना शुरू करते, किसी किसी चीज पे आपको एकदम से रोशनी उस चीज पे गिरती, आपको मालूम होता अब आपने क्या करना है। आपकी अगुवाई होती गैर भाषा के द्वारा, एनिमी के कैंप में कंफ्यूजन होती गैर भाषा के द्वारा। और जो भाषा आपकी शैतान समझता है, गैर भाषा में की गई प्रार्थना को शैतान कभी नहीं समझता। जिन विषयों को आप जानते हो कि आपने ये विषय में प्रार्थना करनी है, मैंने चंगाई के लिए करनी है, मैंने बरकत के लिए करनी है, लेकिन ऐसे विषय आपकी लाइफ के लिए हैं जो उन कहीं इंपॉर्टेंट विषयों से भी अधिक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको मालूम ही नहीं। उन बिना मालूम विषयों पर प्रार्थना करने के लिए आपको गैर भाषा की जरूरत है। मतलब पवित्र आत्मा आपके अंदर से प्रार्थना करता है, उसको मालूम है इसको ये चीज की जरूरत है, लेकिन इसको अवेयर ही नहीं है, ये इसको मालूम ही नहीं है इसे ये चाहिए। जो आपको मालूम है आप वो प्रार्थना करोगे वो मिलेगा परमेश्वर से, लेकिन जिसका बारे में पता ही नहीं, तो परमेश्वर कहता वो पवित्र आत्मा तुम्हारे बीच से आहें भरेगा और अपने शब्दों में भी और गैर भाषा में भी वो प्रार्थना करवाएगा। आप समझ रहे हैं? इस स्टोरी में आपको बता चुका हूं, एक भाई रात को बेचैन होके उठा, बेचैन था वो, उसे समझ नहीं आई मैं इतना बेचैन क्यों, ना मेरे को प्रॉब्लम है, ना कोई मैंने रात को मैंने कुछ हॉरर पिक्चर देखी है, इतना बेचैन क्यों उठाऊं, बेचैन, पूरा बेचैन उठ गया एकदम से। होली स्पिरिट ने कहा प्रार्थना कर, गैर भाषा में प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है। आधे घंटे बाद पवित्र आत्मा ने कहा अब तू सो जा, बेचैनी खत्म हो चुकी थी, शांति आ चुकी थी, उसे मालूम नहीं था क्यों उठा, क्यों खुदा ने बेचैन किया उसके साथ, ऐसा क्यों हुआ, अब वो सो गया। थोड़े दिन बाद अपने घर गया, भाई से मिला, उसके भाई ने बताया था फोन नहीं होते थे, अगर होते थे तो किसी किसी के पास होता होगा, इंटरनेट वगैरह कुछ नहीं था। उसके भाई ने बताया फलाने फलानी तारीख को रात को मुझे कार्डियक, मुझे हार्ट अटैक आ गया था और मैं मर गया था, और मैं जब हॉस्पिटल में लेके गया डॉक्टर ने बोला ये मर चुका, और सडनली एकदम से मेरी बॉडी को प्रभु ने छुआ, किसी ने छुआ और मैं उठ के बैठ गया और सब हैरान थे क्यों। उसने बताया, सुनो, उसने बताया कि सेम डे जिस रात तेरे को ऐसा हुआ उस रात खुदा ने मुझको उठाया था और मैंने गैर भाषा में प्रार्थना की। कितने समझ रहे हैं? अब उसको ये तो मालूम नहीं था कि अपनी भाषा में क्या बोलूं, पर आप गैर भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं, और होली स्पिरिट आपको आपके पास्टर के लिए, आपके घर के लिए, आपके मोहल्ले, आपके नगर के लिए, जिन विषयों को आप नहीं जानते, होली स्पिरिट उन शब्दों को लेके वो प्रार्थना करता है जो आप नहीं समझ सकते। और इसीलिए जो गैर भाषा बोलने वाले विश्वासी हैं वो दूसरे विश्वासियों ज्यादा रिजल्ट लेके आते हैं, क्योंकि उनके पास एक हथियार एक्स्ट्रा है जिसको वो यूज करते हैं। हालेलुया। लेकिन जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपनी ही, अगर इसको एम्पलीफाइड वर्जन बाइबल में पढ़े तो लिखा जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है वो अपने शरीर, अपने प्राण और अपनी आत्मा की उन्नति करता है। वो अपने शरीर की भी उन्नति करता है, यानी उसका फाइनेंस, उसकी लाइफ, उसकी सेहत, उसके बच्चे, जो कुछ शरीर में। लिखा वो अपने सोल की, अपने प्राण की, अंदर जो आपका सोल है उसके ऊपर अटैक है, उसके ऊपर व्यभिचार का, चोरी का, पाप का, कहता उसको भी वो हील करता है। और लिखा आत्मिक, वो आत्मिक रीति से बढ़ता है, उसकी आईज स्पिरिचुअल शार्प होती है, वो सब कुछ देख सकता है, समझ सकता है, आत्मा में अलर्ट है जो गैर भाषा में प्रार्थना करता है। हालेलुया। इमेजिन करो आप एक पॉलिटिशियन, आपके कैरियर में रुकावटें आ रही, आप अपने पार्टी के प्रधान से मिलने जा रहे हो तो आप गैर भाषा में बोल के जा रहे, आधा घंटे के बाद अगर उसने कुछ गलत भी सोचा हुआ आपकी शक्ल देख के मुकर जाएगा वो। मैं सच कह रहा हूं, आप सोचो आप कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हो, आप ले आ यार मुंह तो ये फटाफट चलिए, ले आ नाश्ता ले आ, पड़िए रोटियां चल रही हैं फटाफट फटाफट तेल पोया पचे उधर, पर गैर भाषा नहीं बोली, प्रेयर नहीं की, तो हमें बार बार निराशाएं हाथ लग रही, क्योंकि जो काम आगे होना चाहिए वो पीछे,
और वही अगर गैर भाषा बोल के जाएंगे तो आप समझ सकते हो क्या होने वाला। आप बिजी होंगे, बहुत बिजी। मैंने कहा बहुत ज्यादा बिजी होंगे, बहुत फ्यूचर में बहुत बिजी। आमीन। गैर भाषा उन रास्तों को खोलती। दैनियों की प्रार्थना का उत्तर शैतान ने पकड़ लिया था। आप गैर भाषा में प्रार्थना करते हो, शैतान समझ नहीं सकता इसको। अगर वो समझ नहीं सकता, वो कंफ्यूज रहेगा हमेशा। और एनिमी का कंफ्यूज रहना आपके लिए जरूरी है, हाँ या ना? उसकी चालों का खत्म होना। अब आप किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हो जो आपको डाउन करने की कोशिश करता है, पर उन लोगों का क्या जिनके बारे में आपको भी मालूम नहीं और आपके ग्रुप में बैठे हो, क्या करो? गैर भाषा, गैर भाषा वहां लगती है जहां आप नहीं जा सकते। ये उन पाइपों से चली जाती है जिनके बारे में आपको मालूम नहीं। इसलिए तो परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार दूंगा। हाँ, बड़ी सी बंदूक देखते ना दिल से, वाह क्या बंदूक है, ये स्पिरिचुअल शानदार बंदूक है आपकी। लाखों रुपए दे के मिलेगी नहीं, फ्री मिलेगी। पर कहता मुझे ग्रहण कर, बपतिस्मा ले, तौबा कर, आज्ञाओं को मान, तो तू भी पवित्र आत्मा का दान पाएगा। अब सोच लो कितना जरूरी। सोच लो जो लोग सिर्फ चर्च ही अटेंड कर रहे हैं, प्रार्थना सिंपल वाली भी नहीं तो गैर भाषा वाली तो बहुत, सोच लो वो कहां बैठे हैं, अभी कितना पीछे बैठे हैं। हालेलुया। अब आप महत्व समझेंगे गैर भाषा, और ये लगातार मैं इसको बताऊंगा गैर भाषा, ताकि आपको समझ आ सके कंटिन्यू कि मुझे क्यों बोलनी। और गैर भाषा जब बोली जाती है, जब आपकी लाइफ पे उतरती है और ये बढ़ती है और बढ़ के अगले लेवल पे जाती है और अगले लेवल पे जाती, कैसे आप गैर भाषा से अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हो, मसे में बढ़ सकते हो, अपने दानों वरदानों को उज्जवल कर सकते हो, परमेश्वर से गाइडेंस ले सकते हो, उसकी अगुवाई ले सकते हो, कंफ्यूजन से बाहर आ सकते हो, बीमारी से बाहर आ सकते हो, अपने घर में साल्वेशन लेके आ सकते हो गैर भाषा बोलने के द्वारा। आप जानते पौलुस ने क्या कहा? उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से प्रार्थना करूंगा। अगर वो ऐसा कहता मैं बुद्धि से प्रार्थना करूंगा और आत्मा से भी करूंगा, इसका मतलब बुद्धि से यानी अपने शब्दों से प्रार्थना करना पहले स्थान पे होता और उसके बाद गैर भाषा। पर उसने कहा मैं आत्मा से प्रार्थना करूंगा, यानी जब मैं प्रार्थना की शुरुआत करूंगा तो मैं गैर भाषा से करूंगा और मैं बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा, क्योंकि अगर मैं यहां पे मास प्रेयर सारी गैर भाषा में कर दूं तो आप आमीन कैसे बोलोगे, फेथ कैसे करोगे, क्या कैसे मालूम होगा कौन बंदा हील हो रहा है। तो उसने कहा लेकिन मैं प्रार्थना करूंगा आत्मा से, लेकिन बुद्धि से भी करूंगा ताकि दूसरे लोग इसे आमीन बोल सके। आमीन। इसका मतलब आत्मा में प्रार्थना करने का महत्व जो पौलुस ने कहा वो पहले नंबर पे था। हम पढ़ेंगे बाइबल के इस वचन को ताकि आपको ये समझ आए कि मुझे आज गैर भाषा मांगनी और तब तक मांगनी है, हर रोज मांगनी जब तक मुझे मिल ना जाए।